and I have been climbing together a good deal, and I think we've become a fairly happy pair. And this was just one example of how a pair rope together are a unit, and how one is always protecting the other. I was leading down the ice fall, and when I was crossing a crevasse, a large lump of ice gave way on which I was standing. जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक मुश्किल और एक आसान। अगर जिंदगी जिद पर जी जाए तो मुश्किल लगने लगती है, लेकिन उम्मीद पर जी जाए तो आसान। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1953 की। देश और दुनिया में साल 1953 बेहद अहम है। 29 मई 1953 को सुबह 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को दो लोगों ने फतह किया था। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट को फतह किया था। पूरी दुनिया इस पल को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर याद करती है। खास बात यह है कि पूरी दुनिया को इस खबर के बारे में 4 दिन बाद यानी 2 जून 1953 को जानकारी दी गई। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है जो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। 8848 मीटर यानी 29,320 फीट ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। बेहद सर्द मौसम, सीधी चढ़ाई और बर्फीले तूफानों की वजह से काफी कोशिशों के बाद भी हिलेरी और नोर्गे से पहले इस चोटी पर कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया। 1921 में ब्रिटेन ने एक अभियान के तहत पर्वतारोहियों का एक दल माउंट एवरेस्ट पर भेजा था। दल अपने मिशन पर था, लेकिन एक भयानक बर्फीले तूफान ने दल का रास्ता रोक दिया। पूरा दल मिशन अधूरा छोड़कर लौट आया। इस कोशिश को सफलता नहीं मिली, लेकिन दल में शामिल जॉर्ज ले मेलरी ने चोटी तक पहुंचने का थोड़ा आसान रास्ता देख लिया था। अगले साल मेलरी फिर माउंट एवरेस्ट फतह करने निकल पड़े। इस बार 27,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन फिर मौसम ने साथ नहीं दिया। इस तरह एवरेस्ट को फतह करने की कोशिशें चलती रही। 1952 में तेंजिंग नोर्गे 28,210 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी फिर भी पहुंच से बहुत दूर ही रही। 1953 में ब्रिटेन ने कर्नल जॉन हंट की अगुवाई में एक दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजने की तैयारी की। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी भी इसी दल का हिस्सा थे। इस दल को पूरी तैयारी के साथ माउंट एवरेस्ट फतह करने भेजा गया। अप्रैल 1953 में दल ने चढ़ाई शुरू की। दल 26,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। आगे का रास्ता और भी कठिन था। 26 मई को दल के ही दो लोग चार्ल्स इवांस और टॉम बोडिलन ने आखिरी चढ़ाई शुरू की। चोटी से करीब 300 फीट की दूरी पर ऑक्सीजन मास्क में खराबी आने की वजह से दोनों को वापस लौटना पड़ा। 28 मई को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने चढ़ाई शुरू की। दिन भर की चढ़ाई के बाद 27,900 फीट की ऊंचाई पर भीषण बर्फीले तूफान और सर्दी के बीच रात गुजरी। वो रात दोनों के लिए काफी खतरनाक थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। रात में हिलेरी के जूते गलती से बाहर रह गए थे। जब अगले दिन सुबह हिलेरी उठे तो उनके पैर बर्फ में जम गए। अंतिम चढ़ाई के समय उनके सामने खड़ी चट्टान थी। वो चट्टान एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि उसके रहते हुए उन लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ता जो काफी लंबा था, और एवरेस्ट तक पहुंचने का समय और लंबा होता जाता। इस मौके पर हिलेरी ने दिमाग लगाया और चट्टान की दरार में से रास्ता बनाया। उस रास्ते से होकर पहले हिलेरी और उनके पीछे तेंजिंग आगे बढ़े। 29 मई 1953 को 11:30 पर वे दुनिया के शिखर पर थी। वहां पर हिलेरी ने कुल्हाड़ी के साथ तेंजिंग का फोटो लिया। एवरेस्ट की चोटी पर जितने फोटो खींचे गए उन सभी में तेंजिंग ही नजर आ रहे थे। इसका कारण था कि तेंजिंग को फोटो खींचना नहीं आता था। तेंजिंग ने जब हिलेरी का फोटो लेने की बात कही तो हिलेरी ने मना कर दिया। तेंजिंग ने इस सफलता पर एवरेस्ट को मिठाई खिलाई। तेंजिंग ने जेब में रखी मिठाई और बेटी की पेंसिल निकाली और बर्फ में दबा दी। तेंजिंग ने हमेशा एवरेस्ट के शिखर पर पहले कदम रखने का श्रेय हिलेरी को ही दिया। उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया। तेंजिंग ने कहा, मैं उस समय पहले और दूसरे के बारे में विचार नहीं कर रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि वहाँ सोने का सेब है और हिलेरी को धक्का देकर उसे लपकने पहुंचूं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े
और अगले क्षण शिखर पर थी। पहले हिलेरी पहुंची और फिर मैं। तेंजिंग नोर्गे को भारत, नेपाल और इंग्लैंड सरकार ने पुरस्कारों से सम्मानित किया। 1959 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नोर्गे को सम्मानित किया, तो इंग्लैंड की महारानी ने जॉर्ज मेडल और नेपाल सरकार ने नेपाल तारा से उनको सम्मानित किया। तेंजिंग ने 1933 में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। 9 मई 1986 को उनका निधन दार्जिलिंग में हुआ। आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1954 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइटर लाइव। नमस्कार।